दोस्तों ये मेरे पास मेरा फोन है पोको F1 और इसके अंदर एक छोटा सा इशू आ रहा है। जैसे ही मैं अपने पीसी के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ तो पीसी के अंदर इसका इंटरनल स्टोरेज नहीं दिखता है, मेमोरी शो नहीं कर रहा है। तो उस चीज का एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास पोको F1 है और मैंने इसको कनेक्ट किया है अपने पीसी से, बट मेरे पास कोई भी इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखो, तो यहाँ से मेरा फोन कनेक्टेड है पोको F1 और इसकी वायर यहाँ पे USB में लगी हुई है, लेकिन USB यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे अपने विंडो के ऊपर, राइट क्लिक करके सबसे पहले जाएंगे डिवाइस मैनेजर के ऊपर। डिवाइस मैनेजर जैसे ही खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखा रहा है पोर्टेबल डिवाइस पोको F1, ये शो नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन आएगा तो ब्राउज ऑन माई कंप्यूटर और लेट मी पिक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स। तो यहाँ पे MTP USB डिवाइस है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे क्लिक करके और यहाँ पे इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो मेरा फोन कनेक्टेड था और अब यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे उसका इंटरनल स्टोरेज है वो आ गया है, पहले ये नहीं आ रहा था। दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता होगा तो इसका यही सोल्यूशन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।